नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग। नाउ फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग जो हम लोग ले रहे हैं, जब तुम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो तुम्हारा पहले अटेम्प्ट एबीसी फॉर्म में होगा, इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन। सो ये एबीसी रहेगा और तुम्हारा आंसर डी से शुरू होगा विच इज द फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग। ठीक है, सो तुम्हारा फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग तुम्हारे सामने पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, 1 2 3 4 5, जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाए। ये तुम्हारे सामने एक लिस्ट आ रहा है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। सो पहला स्टोरेज ऑफ गुड्स, सिंपल सा लॉजिक है। वेयर हाउसिंग वो जगह है जहां पे तुम्हारा सरप्लस स्टॉक स्टोर किया जाता है पेंडिंग डिलीवरी, क्योंकि वहां से तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को डिलीवर होगा कंजम्पशन के लिए। सो सिंपल सा लॉजिक इज स्टोरिंग द गुड्स फॉर फ्यूचर डिलीवरीज। ठीक है, सरप्लस स्टॉक। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। तुमने देखा था, मैंने जो फोटोग्राफ डाला था उसमें चारों दीवार है, मतलब गुड्स अंदर प्रोटेक्टेड है, धूप से, हवा से, बारिश से, थोड़ा बहुत मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट होता है क्योंकि दरवाजा सामने ही रहता है। सो जो डैमेज होता है गर्मी से, ठीक है ना, क्लाइमेट वेरिएशन से, खास करके डस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रहेगा तो उसको डस्ट काफी डैमेज करता है। वंस वेयरहाउस के अंदर है तो हवा से जो डस्ट अंदर जाता है, सूरज की रोशनी से जो उसका डिटीरियोरेशन होता है, बारिश से जो जंग पड़ जाता है स्टील में, ये सबसे प्रोटेक्शन मिलता है पेंडिंग डिलीवरी। इसलिए वेयरहाउस का एक इम्पोर्टेंट काम है गुड्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तीसरा ग्रेड। ग्रेडिंग मतलब कैसा है, जैसे मैंने तुमको चावल का एग्जाम्पल बताया था, तुम जब चावल गोडाउन में वेयरहाउस में रखते हो तो उसको ग्रेड मिक्स नहीं कर सकते। बासमती चावल को अलग रखोगे, जाड़े चावल को अलग रखोगे, पतले चावल को अलग रखोगे, रेशमी चावल के अलग रखोगे, सुरती कोलम चावल, बहुत सारे प्रकार के चावल आते हैं। सो तुम क्या करोगे, अलग अलग जो रैक्स है, रैक्स मतलब जो अंदर जिसके ऊपर रखते हैं, तुम अलग अलग भाग करोगे, मतलब जैसे कैडबरी के अलग अलग वेराइटी मिक्स तो नहीं कर दोगे, जो एक वेराइटी है कैडबरी नटीज जो है वो एक जगह पे रखोगे, कैडबरीज का फ्रूट कौन सा आता है, अलग अलग जो वैरायटी आते हैं, ठीक है, नॉर्मल कैडबरी डेरी मिल्क, उसमें भी बहुत सारे प्रकार है, फ्रूट एंड नट एक आता है, एक सिल्क आता है, सबको अलग बिन में रखोगे, सो उसको ग्रेडिंग बोलते हैं। सो इन शॉर्ट ग्रेडिंग मीन्स उसको कॉमन ग्रुप जो सरीके हैं उसको एक लॉट में एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, खास करके एग्रीकल्चर गुड्स के लिए डाला जाता है, ताकि जब किसने बोला सिल्क का दो बॉक्स दो तो तुमको पता है कैडबरी सिल्क के बॉक्स कहाँ रखे हुए। तीसरा ब्रांडिंग। बेसिकली क्या होता है, तुम जब गुड्स आता है तो उसको वहीं पे ब्रांड बोलते ना, एक प्रकार का ब्रांड लगाते हैं उसके ऊपर। कई बार जो चावल है वो वेयरहाउस में आता है लेकिन उसको 100-100 किलो के बोरिया में वहां पे ब्रांड किया जाता है या पैक किया जाता है, ऊपर से ब्रांड लगाया जाता है। सो बेसिकली ब्रांडिंग का काम भी वेयरहाउसिंग करता है। फिर कई बार पैकिंग, जो पैकिंग है उसमें कवर लगाना। सो हो सकता है कि गुड्स बन के तो आ गया लेकिन उसका पैकिंग बाकी हो, ठीक है ना, और पैकिंग बेसिकली एक प्रकार का कवर है, ठीक है, जो जैसे कि झंडू बाम का एक छोटा सा बॉक्स आता है, ठीक है, दैट इज पैकिंग। और पैकेजिंग मतलब तुमने देखा है लकड़ियां के क्रेट्स देखे हैं, जैसे गुड्स के ऊपर लकड़ियां के क्रेट्स है, सुना है, देखा है तुमने, ये सब नो नहीं देखा है तो फोटोग्राफ दिखा देता हूँ तुमको। वुडन क्रेट्स, मेरा एक दोस्त का फैक्ट्री है वुडन क्रेट्स का, इसमें अंबर साइड, वुडन क्रेट्स, ये जो क्रेट बॉक्स बनता है ना, देखो ये, समझ में आ रहा है,
ये तो आइकिया का डिजाइन है, मैं इसका बता दूं। ये देखो ऐसा दिख रहा ही है, ये सर नो दिख रहा है तुमको, तो इसको वुडन यस की। हाँ, सर, तो क्या होता है इस कभी कभार गुड्स को इसमें पैक करना पड़ता है। मैं गया था मेरे दोस्त के फैक्ट्री में, जो लकड़ियां हैं वो ज्यादातर उनको गवर्नमेंट के लोग सप्लाई करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये क्रेट्स में डिजाइन करते हैं। मैंने बोला कि क्या दूर सप्लाई करता है, वो बोलता है दूर का ऑर्डर लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना महंगा हो जाएगा कि लोग फिर लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा एक क्रेट। सो ये लोग क्या करते हैं, अंबड़ में जो उसका फैक्ट्री है वहां से अंबड़ या सातपुर जाता है। मैंने बोला सिन्नर नहीं जाता, उसने बोला ये प्रॉब्लम है कि सिन्नर में जाने के लिए जो ट्रक भाड़ा लगेगा यहाँ से वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्रेट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। कंपनी के लिए क्रेट सिर्फ कस्टमर को ठीक से गुड्स पहुंचे उसके लिए ही रेलेवेंट है, उसके अलावा इस क्रेट का कोई रेलेवेंस नहीं है। एक तो प्रोटेक्शन रहे, ठीक है, और एक बोलते ना डैमेज ना हो गुड्स को। सो पैकेजिंग उनके हिसाब से किया जाता है, तो उसका रेलेवेंस ज्यादा नहीं है कंपनी के लिए, ठीक है, बट क्रेट लगता है कुछ गुड्स को प्रॉपरली क्रेट में डिलीवर। जो स्विचगेयर की कंपनी है सब मुझे लगता है क्रेट में प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, तो उनके लिए क्रेट्स एक पैकेजिंग। अब क्रेट्स वेयरहाउस में आ गया तो वहां पे ऐसा पैकेजिंग का काम होगा, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। छठवां, रिस्क बेयरिंग कैसे होता है, द रिस्क जो है अपन ने भाड़े पे एक जगह लिया, ठीक है, एक सेकंड, तो जो रिस्क बेयरिंग है क्या होता है कि जैसे तुम गुड्स वेयरहाउस में डालते हो, नॉर्मली वेयरहाउस कंपनी का खुद का रहता नहीं है, महिंद्रा जैसे बड़ी कंपनी का हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज भाड़े पे लेते हैं। अब जैसे बॉम्बे में भिवंडी में वेयरहाउस है, सो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो तुमको बॉम्बे में सप्लाई करना है तो तुम भिवंडी में लाके रख दोगे। अब क्या होगा, रिस्क जो गुड्स का है वो वेयरहाउस कीपर की जवाबदारी होगी, गुड्स को डैमेज हुआ कुछ तो वेयरहाउस कीपर जवाबदार है। जैसे तुमने गुड्स वेयरहाउस में डाल दिया वो तुमको वेयरहाउस रिसीट देगा। अब तुमको चिंता नहीं है क्योंकि वेयरहाउस में सेफ है, लेकिन कुछ भी डैमेज होता है तो वेयरहाउस कीपर जवाबदार माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिनेंसिंग, अभी क्या होता है, तुमने 10 लाख रुपए का गुड्स वेयरहाउस में रख दिया, जिसे रखा वेयरहाउस कीपर तुमको एक वेयरहाउस रिसीट देगा कि भाई हमारे पास 10 लाख रुपए का गुड्स तुम्हारा जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है जिसपे तुम रेंट दे रहे हो, बट गुड्स का मालिक तुम हो। तो अभी क्या होता है कि तुमको पैसों की जरूरत है, तो तुम बैंक्स के पास जाते हो, बोलते हो देखो हमने वेयरहाउस में 10 लाख रुपए का गुड्स रखा है, ये वेयरहाउस रिसीट एज अ प्रूफ है, गुड्स अगले महीने कस्टमर को चाहिए, दैट इज सितंबर, उसका पेमेंट नवंबर को आएगा, हमको अभी फिलहाल 5 लाख का लोन चाहिए, तो ये गुड्स का जो पावती है ये वेयरहाउस रिसीट है हम आपके पास गिरवी रखते हैं, आप हमको कर्जा दो, तो लोन आराम से मिल जाता है क्योंकि वेयरहाउस में 10 लाख रुपए का सामान है तो 5 लाख का लोन तो मिल ही जाएगा, फिनेंसिंग में काम में आता है। आठवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। क्या होता है कि भिवंडी में तुमने गुड़ वेयरहाउस में स्टोर करके रख दिया, बॉम्बे में जब जब डिमांड होगा ना तब तक तुम फटाफट सप्लाई करोगे ना। नासिक और मुंबई का एक बड़ा फर्क बताता हूँ, मेरी आवाज आ रही है सबको यस मेरे? हाँ, तो एक जो किराना शॉप है उस दिन मुझे थोड़ा नाराज था, बता रहा था कि नासिक के कस्टमर ना सब लेट उठते हैं, बॉम्बे में ब्रेड और दूध 6-7 बजे सप्लाई होके 8 बजे तक लगभग खत्म हो जाता है, सब टाइम टू टाइम धड़ाधड़ काम होता है। नासिक में ब्रेड वाला आता है 10 बजे, ठीक है, दूध वाला लेट आता है, कस्टमर उससे भी लेट आते हैं, ठीक है, तो उस समय जब टाइम 12 बजे तक था तो उसको बहुत कठिनाई हो रहा था। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि उसने बोला कि बॉम्बे में ना प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है, दूध वाले ब्रेड वाले सब जल्दी उठ के मेहनत करते हैं और फटाफट सब डिलीवरी करते हैं और कस्टमर भी जल्दी आकर ले जाते हैं, सो वहां पर डिमांड और सप्लाई का बैलेंस अच्छा होता है।
वैसे वेयरहाउस का ही काम है कि स्टोर करके रखा हो तो जब जब डिमांड है तो फटाफट डिलीवर करो। अब नासिक में तुमको नीलकमल का चेयर चाहिए एक पर्टिकुलर डिजाइन का, तो उसका पंचवटी साइड कहीं पे वेयरहाउस है, तुमने दुकान में देखा और तुमने बोला तुमको यही कलर चाहिए, उल्टा ठीक है मैं मंगा दूंगा, सवेरे 11 बजे गाड़ी आती है, कल तक तुमको मिल जाएगा। अब नीलकमल की फैक्ट्री कहीं दूर, नासिक में उनका वेयरहाउस है, फटाफट वो लोग सप्लाई कर देते हैं। एक समय अमूल को ये काफी प्रॉब्लम था, अमूल का डिलीवरी में बहुत डिले था, आजकल लेकिन उन्होंने अपना डिलीवरी अच्छा कर दिया है, तो अभी लगभग शॉर्टेज नहीं होता अमूल का। पतंजलि का अभी भी शॉर्टेज होता है लेकिन अमूल का नहीं होता। नवा बेटर प्राइजेस। नाउ क्या होता है कि गुड्स का स्टोरेज, असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, पैकिंग सब इधर होता है तो कीमत अच्छा मिलता है। अब तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक शक्कर है, एक 3 किलो का शक्कर तुम खरीदते हो या 1 किलो का शक्कर खरीदते हो अनब्रांडेड, और तुम सबसे फेमस ब्रांड कौन सा है शक्कर का? मधुर। मधुर का शक्कर बहुत फेमस है, लेकिन तुम जैसे उस पे पैकेज करते हो ना तुमको कीमत अच्छा मिलेगा। तो आजकल क्या है, तुम वेयरहाउस में तो उसको ठीक से पैक किया, नीलेश ड्राई फ्रूट्स क्या करता है, गुड्स को पैकिंग अच्छा करता है तो कीमत अच्छा मिलता है पैकिंग का, सो बेटर प्राइसेस है। तुम ऐसे ही सप्लाई करो और ठीक से पैकेज करके दो तो कीमत मिलता है, ठीक है। 10वां फ्यूचर डीलिंग। अब सिंपल सा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, तुमने सामने वाले को प्याज क्या होता है, प्याज तो सब फ्यूचर के ही काम है, प्याज आज बन जाएगा 2-3 महीना टिकेगा, तो ये लोग सब वेयरहाउस में स्टोर करके रखते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है तेरे को अक्टूबर में चाहिए ना, ये दाम में डील करते हैं और अक्टूबर में डिलीवरी देते हैं। सो तुम क्या कर सकते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी वेयरहाउस में गुड्स स्टोर्ड है। और सबसे लास्ट का तो पॉइंट है ही टाइम और प्लेस यूटिलिटी। अभी टाइम जिस समय जो चाहिए, जैसे मैंने तुमको नीलकमल का एग्जाम्पल दिया, तुम बोलते हो कि भाई कल कल तक मिल जाएगा। अब फैक्ट्री कहाँ, नीलकमल की फैक्ट्री कहाँ पे है, किसी को कोई आइडिया? नीलकमल की फैक्ट्री कहाँ पे है? नीलकमल का वैसे तो फैक्ट्री कुछ पार्ट नासिक में भी, लेकिन वो लिमिटेड चीज बनाते हैं, वो भी अंबर साइड है। लेकिन एक मिनट, नीलकमल का फैक्ट्री सिन्नर साइड है, सिन्नर में बनाएंगे, ये तो इधर की बात होगी, लेकिन बॉम्बे में, बॉम्बे से सिन्नर काफी दूर है। तो क्या होगा यदि गोडाउन में सप्लाई किया तो एक फायदा क्या होता है कि फटाफट उसको जैसे डिलीवर किया सही समय में जो चीज चाहिए। नीलकमल से अच्छा एग्जांपल स्वेटर का ले लो या जैकेट्स का ले लो। अभी ठंडी, एक सितंबर जैसे होता है, ठंडी के जैकेट्स बिकना शुरू हो जाएंगे। सो सही, अभी बारिश में छतरियां, रेनकोट्स, जील करके कंपनी जिसके रेनकोट्स बहुत फेमस है। सो टाइम यूटिलिटी मतलब सही समय में सही वस्तु प्रोवाइड करना, तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है। और प्लेस यूटिलिटी मतलब जिस जगह पे जो वस्तु नहीं है, बॉम्बे में कहाँ अंगूर उगता है, सब नासिक से पहुंचाया जाता है। आम कहाँ नासिक, मुंबई नासिक में उगता है, सब कोकण साइड का। वैसे तो इंडिया में 40-50 जगह है जहां आम उगता है, लेकिन मुंबई में वो नहीं है, नासिक में नहीं है। सो ये सब कोकण साइड से आते हैं तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है। नासिक में नहीं है, कोकण से मैंगोज आए, ठीक है, सो यहाँ पे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है, ठीक है। सो ये तुम्हारे 11 पॉइंट्स थे फंक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग के। तो अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एक मैंने अमेजन का वेयरहाउस का एक स्टोरी बनाया हुआ है, तुम इसका यूज कर सकते हो। अमेजन वेयरहाउस लेता है स्टोरेज के लिए भिवंडी में, ठीक है ना। गुड्स का प्रोटेक्शन के लिए, एक मिनट, अमेजन वेयरहाउस है स्टोरेज के लिए भिवंडी में। गुड्स के प्रोटेक्शन के लिए वेयरहाउस के एंट्रेंस में 2 दरवाजे हैं। ऐसा सोचो कि अमेजन भिवंडी में है, आगे 2 दरवाजे हैं, वेयरहाउस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में 3 ग्रेड्स ऑफ चावल है। सोचो भिवंडी में तुम जा रहे हो, ठीक है, अमेजन के वेयरहाउस
जहां तक मेरा नॉलेज है, वेयरहाउस के अंदर दरवाजा रहता नहीं है, खिड़की भी नहीं रहती, जहां तक मेरा नॉलेज है। सो गुड्स के प्रोटेक्शन के लिए वेयरहाउस के एंट्रेंस में दो दरवाजे हैं। तुम जैसे वेयरहाउस के अंदर जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड तीन चावल के तीन ग्रेड, जाड़ा, पतला और रेशमी चावल बोलो। ये जो रास्ते में मिलता है ना, इडली के आथा, इडली को आथा मिलता है, पता है ना तुमको, सुना है तुमने, यस सर। वो सब बहुत लो ग्रॉड, मैंने सुना है बहुत लो ग्रेड चावल यूज करते हैं, जिसको रेशमी चावल बोलते हैं, सस्ते और एकदम सबसे लोअर ग्रेड वाले चावल यूज करते हैं, इसलिए नॉर्मली लोग घर पे बनाना प्रेफर करते हैं, ब्रांडिंग। सो तीन ग्रेड्स ऑफ चावल है, अलग अलग ब्रांड के, बासमती चावल ले लो, उसमें भी कोहिनूर चावल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स है। ऐसे सोचो कि अलग अलग, सुरती कोलम चावल बहुत फेमस और अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। सो अमेजन का वेयर हाउस है, दरवाजे के प्रोटेक्शन या वेयर हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए दो दरवाजे हैं। तुम अंदर जाते हो, लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेडिंग होता है चावल का, उसमें भी तीन अलग अलग ब्रांड के चावल है। अब तुम राइट हैंड साइड जाते हो, जहां पे दरवाजे के लेफ्ट हैंड साइड में गए तो ग्रेडिंग और ब्रांडिंग होता है, राइट हैंड साइड में पैकिंग होता है। रिस्क हम कम हो, इसलिए फायर ब्रिगेड के आने जाने की व्यवस्था है, मतलब अंदर फायर ब्रिगेड जा सकता है, या वैसे व्यवस्था रखी हुई है, दरवाजे बड़े हैं। तो पहला पॉइंट, जो जो स्टोरेज है, अमेज़न वेयरहाउस है स्टोरेज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए दो दरवाजे हैं। अंदर जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में चावल का ग्रेडिंग होता है और ब्रांडिंग के तीन प्रकार है, राइट हैंड साइड में पैकिंग होता है और रिस्क के लिए फायर ब्रिगेड के आने की जगह है। अभी जिसका वेयरहाउस है वो फिनेंस के लिए 70 लाख, सातवां पॉइंट है, मालिक ने फिनेंस लगाया 70 लाख, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है। अमेजन का डिमांड एंड सप्लाई लॉकडाउन में काफी फ्लक्चुएट हुआ है, ठीक है। अभी तुम वापस बाहर आ जाओ और बोलो डिमांड और सप्लाई काफी फ्लक्चुएट है, पर लॉकडाउन के बाद बेटर प्राइसेस मिल रहा है, क्या होता है, जिसने स्टील स्टोर करके रखा था, अभी पिछले 6 महीने में स्टील के दाम करीबन 40% बढ़ा है, सीमेंट का दाम 30 से 40% बढ़ा है। सो इन जिनके पास पुराना स्टील था उनको बहुत बढ़िया कीमत मिला, ठीक है। और लास्ट में फ्यूचर में वेयरहाउस, ये पॉइंट नंबर 10 है, मैं करेक्ट करूंगा, फ्यूचर में वेयरहाउस के बाहर कैमरा भी लगेंगे, जिसकी मदद से वेयरहाउस के अंदर गाड़ी आने का टाइम और प्लेस रिकॉर्ड किया जा सके। 10वें पॉइंट से फ्यूचर में चले जाना, फ्यूचर में वेयरहाउस के अंदर कैमरा भी, बाहर कैमरा भी लगेंगे, जिससे जो गाड़ी अंदर आती है उसका टाइम और प्लेस रिकॉर्ड किया जा सके। सो इसको लर्न करने के इजी तरीका है, क्या बोलोगे तुम, वेयरहाउस अमेजन का है, प्रोटेक्शन के लिए दो दरवाजे हैं, अंदर लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेडिंग होता है और ब्रांडिंग होता है, राइट साइड में पैकिंग होता है, फिर रिस्क के लिए फायर ब्रिगेड के आने की व्यवस्था है। अभी वेयरहाउस के बाहर आ जाओ, जो मालिक है उसको फिर है, उसने वेयरहाउस के लिए 70 लाख रुपए लगाया है, बट मालिक ने जो वेयरहाउस लगाया तो डिमांड और सप्लाई का काफी असर हुआ, लेकिन लकड़ी अंदर स्टील है तो उसको भविष्य में कीमत अच्छे मिलेंगे। अब भविष्य की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में तो कैमरा लगाने का सोच रहे हो, जिससे जो भी गाड़ी अंदर आती है उसका टाइम और प्लेस ठीक से, नंबर गाड़ी का सब रिकॉर्ड किया जा सके। तो ये तुम्हारे पॉइंट्स थे, एक बार लिख के निकाल लो पॉइंट्स।